हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं ट्यूशन क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का सवाल। आज के सवाल में हमें दिया ये गया है, ये जो एक सर्कल जो है वो ये एक ब्रोच है, और ये ब्रोच जो बना हुआ है ना एक सिल्वर वायर से बना हुआ है, ठीक है। और इसमें डायमीटर्स है, 5 डायमीटर्स है कुल। जो एक डायमीटर का मेजरमेंट है वो 35 mm, ठीक है। और ऐसे 5 डायमीटर्स है तो वो 10 इक्वल सेक्टर्स में उसे डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या है, इसमें हमें निकालना ये टोटल जो लेंथ है ना सर्कल का और डायमीटर्स का, वो हमें निकालना है जो कि एक सिल्वर वायर से बना हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें इनमें से एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर वन कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर वन के लिए डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर जो है 35 mm है। तो रेडियस हमारा हो जाएगा 35/2 mm, ठीक है। फिर हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr, तो ये बन जाएगा 2 × 22/7 × 35/2। 22/7 जो है वो पाई का वैल्यू है, ठीक है, याद रखना। तो हमें ये अगर कैलकुलेशन करें तो 110 mm आ जाएगा। ये तो हो गया सर्कल, ठीक है। अब हमें ये डायमीटर्स भी निकालनी है। तो लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, ठीक है, 5 डायमीटर्स कितना हो जाएगा, 35 × 5, एक का 5 है, एक का 35 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 35 × 5 हो जाएगा 175 mm, ठीक है। टोटल कर देते हैं दोनों का, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 285 mm, ठीक है। अब रह गया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो क्या है, हमें निकालना है सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो क्योंकि पूरा जो सर्कल जो होता है वो 360 का होता है, और ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इसका थीटा कितना हो जाएगा, 360/10, डेट मीन्स 36 डिग्री। उसके बाद हम एरिया निकालेंगे। हमें एरिया का फॉर्मूला पता ही है, एरिया ऑफ सेक्टर आप लिख लेना, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, θ/360 × π r² तो थीटा कितना था, 36/360 × 22/7 × 35/2 × 35/2। ये हो गया। इसको कैलकुलेशन अगर हम करें तो निकलेगा 385/4 mm², ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसी तरीके से हमारा चैनल आप ज़रूर देखते रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।